बीटेक के फर्स्ट ईयर के छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको डिजाइन कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको इसमें चीज़ें बताऊंगा सिंगल फे इंडक्शन मोटर यानी कि हम इस वाले केस में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे यानी सिंगल फे इंडक्शन मोटर में सबसे पहली बात यह है कि इसके कंस्ट्रक्शन किस तरह से हम करते हैं जैसा कि आपने थ्री फे इंडक्शन मोटर में देखा था जो कंस्ट्रक्शन हमने वहाँ पर किया था उस कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें थी एक तो स्टेटर था और एक रोटर था वहाँ पर जो स्टेटर था वो थ्री फेज सप्लाई के लिए हमने बाइंड किया था लेकिन यहाँ पर जो है वो सिंगल फेज सप्लाई के लिए हम जो है वो इसके स्टेटर में हम बाइंडिंग करते हैं दूसरी जो है जो इसका रोटर होता है रोटर वहाँ पर दो तरह का हमने बनाया था एक होता था रोटर स्क्रेल केज रोटर और दूसरा रोटर जो था वो बाउंड रोटर था लेकिन यहाँ पर जो सिंगल फे इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम जनरली केवल एक ही टाइप का रोटर इस्तेमाल करते हैं और उस तो जो है वो स्क्वेयर एल केज टाइप का रोटर बनाते हैं यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो मेन पार्ट है मोटर के उसमें एक तो स्टेटर है स्टेटर आपको बाहर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये बाहर का पार्ट ये पूरा स्टेटर है उसमें जो है ये बाइंडिंग कर रखी है ये सिंगल फेज सप्लाई के लिए है सिंगल फेज सप्लाई के लिए बाइंडिंग है उसके बाद में दिस इज द रोटर पार्ट ये जो रोटर है ये रोटर स्क्वायरल केज टाइप की रोटर है यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें दिस इज द रोटर पार्ट ये जो आपको दिखाई दिस इज द रोटर पार्ट रोटर की स्लॉट्स दिखाई दे रही हैं ये इसके बीच का एयर गैप दिखाई दे रहा है जो कि रोटर और स्टेटर के बीच का गैप है जिसको एयर गैप बोलते हैं और दिस इज़ द आउटर पार्ट एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द स्टेटर स्टेशनरी पार्ट जो कि स्टेशनरी रहता है रोटर जो है वो रोटेट करता है यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा स्टेटर होता है स्टेटर में हम दो तरह की बाइंडिंग करते हैं दो बाइंडिंग जो होती हैं वो दोनों ही बाइंडिंग जो है वो पैरल में कनेक्ट रहती हैं इन दोनों बाइंडिंग का नाम एक का नाम इसमें मेन बाइंडिंग है और दूसरा जो बाइंडिंग होती है उसका नाम जो है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग कहलाता है और ये दोनों बाइंडिंग जो है वो पैरल में कनेक्ट होती हैं ये हम दो बाइंडिंग क्यों करते हैं इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर बाद आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर जो स्टेटर है स्टेटर में आपने देख लिया कि स्टेटर में क्या वहाँ से अंतर है थ्री फे इंडक्शन मोटर तो जो स्टेटर रहता था, था उसको हम थ्री फे सप्लाई के लिए हम बाइंड करते थे लेकिन यहाँ पर जो है वो स्टेटर को हम दो बाइंडिंग करेंगे इसमें एक कहलाएगी मेन बाइंडिंग दूसरी कहलाएगी ऑगिलरी स्टार्टिंग बाइंडिंग और ऑगिलरी बाइंडिंग भी हम उसे बोलते हैं तो दो यहाँ पर बाइंडिंग रहती हैं और दोनों ही बाइंडिंग जो है वो पैनल में कनेक्ट रहती हैं इसका जहाँ तक इसके वर्किंग प्रिंसिपल का सवाल है तो वर्किंग प्रिंसिपल के पॉइंट्स आप सबसे पहले नोट करें जो कि जैसे कि यहाँ पर नाम बता रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इसका मतलब हम सिंगल फेज सप्लाई इस इंडक्शन मोटर को देंगे तो वैन द सिंगल फेज सिंगल फेज सप्लाई वैन सिंगल फेज सप्लाई ऑफ सिंगल वैन द स्टेटर ऑफ सिंगल फेज मोटर इज फेड विद सिंगल फेज सप्लाई इट प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग फ्लग्स इन देटर बाइंडिंग यानी कि सिंपल सी बात है अभी हम थोड़ी देर को एक चीज़ को भूल जाएँ कि हमारी जो स्टेटर है उसमें दो वाइंडिंग मैंने नहीं की है केवल एक ही वाइंडिंग कर रखी है और एक वाइंडिंग को मैंने सप्लाई जो दी है वो सिंगल फेज की सप्लाई दी है उसके बाद जो है वो ये जो वाइंडिंग को हमने सप्लाई दी तो उसमें कौन सा फ्लग प्रोड्यूस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स यानी कि यहाँ पर जो है वो रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा जैसा कि आपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में देखा था यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसकी नेचर होती है ऑल्टरनेटिंग नेचर यानी कि ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स कहलाता है जो कि स्टेटर वाइंडिंग में होता है द ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू स्टेटर वाइंडिंग कॉजज इंड्यूस करेंट इन रोटर वार्स अब क्या इफेक्ट होगा जो ऑल्टरनेटिंग करंट स्टेटर वाइंडिंग में फ्लो हो रही है उसकी वजह से रोटर बार्स में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी इंड्यूस करंट जब प्रोड्यूस होगी तो किसकी वजह तो से ये इंड्यूस करंट दैट इज ड्यू टू दी फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी तो पॉइंट दोबारा से रिवाइज करते हैं पहले पॉइंट में क्या किया आपने आपने मोटर की बाइंडिंग जो कि स्टेटर है उसको आपने सिंगल फेज सप्लाई दे दी सिंगल फेज सप्लाई देने से क्या काम हुआ ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ आपने सबसे पहले क्या किया सिंगल फेज सप्लाई दी सिंगल फेज सप्लाई दे दी स्टेटर को दूसरे पॉइंट में क्या हुआ दूसरे में ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स उसने क्या काम किया रोटर पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस की रोटर पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गई लेकिन हुआ क्या इससे क्या फर्क पड़ा कह रहे हैं कि द इंड्यूस चौथे पॉइंट में आप तीसरे पॉइंट में आप देखें द इंड्यूस्ड करंट इन रोटर विल ऑल्सो प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स यानी कि जो रोटर में करंट इंड्यूस हुई है वो भी अपना ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी उसने भी अपना ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर दिया यानी कि अब दो फ्लक्स हो गए एक स्टेटर करंट की वजह से और दूसरा रोटर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से इसके बाद पॉइंट आप देखें कि इवन आफ्टर बोथ ऑल्टरनेटिंग फ्लक्सेस आर सेटअप द मोटर फेल्स टू स्टार्ट दो फ्लक्स हैं ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स हैं स्टेटर में भी है स्टेटर की वजह से भी है और रोटर की वजह से भी है दोनों की करंट की वजह से यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन मोटर जो है वो घूमती नहीं है यानी कि मोटर फेल्स टू स्टार्ट अब क्या है अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज देखें कि हाउ ओवर इफ़ द रोटर इज गिवन ए इनिशियल स्टार्ट अगर रोटर को एक इनिशियल स्टार्ट दे दें यानी कि हम इनिशियल एक्सटर्नल जर्क दे दें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देन रोटर विल स्टार्ट टू रोटेट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि अगर हम इसको जो है ना हम रिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्शन यानी कि आइदर क्लॉक बाइज और एंटी क्लॉक बाइज किसी भी डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा जर्क दे दें तब इमीडिएटली हमको एक चेंज मिलता है कि मोटर स्टार्ट टू रन एंड कैच इज़ द स्पीड इसको हम कैसे समझेंगे अभी तो वो स्टार्ट होनी थी इसके बाद एकदम से क्या हो गया अचानक से जैसे ही हमने इनिशियल जर्क दिया वैसे ही उसी डायरेक्शन पर घूमना शुरू कर दी ऐसा क्या हो जाता है उसके तो इस चीज़ को हम समझने के लिए हम पढ़ेंगे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में जो कि आपको अभी समझाया जाएगा व्हाट इज़ द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में क्या है सबसे पहले यहाँ आप देखें क्या लिखा हुआ है कि द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी स्टेट्स दैट एनी ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स कैन बी रिजोल्व इन टू टू कॉम्पोनेंट्स यानी कि जो ऑल्टरनेट फ्लक्स होता है उसको हम टू कम्पोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं यानी कि ये जो है वो रिजल्टेंट फ्लक्स फाइव एम है इसको हमने दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर लिया फाइव एम बाई टू एंड फाइव एम बाई टू अब दोनों ही फ्लक्स जो है वो इक्वल हैं एंड अपोजिट हैं तो वो क्या करेंगे वो एक फ्लक्स तो जो है एक पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में मूव करेगा और दूसरा फ्लक्स जो होगा वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस तरह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू जो है वो इस तरह से हमारी जो है यहाँ पर चेंज होगी यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फ्लक्स यानी कि यहाँ पर रिजल्टेंट फ्लक्स जस्ट डबल यहाँ पर उससे कम हुआ और जब दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट इस तरह से लाइन अप हुए तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा फ्लक्स विल बी इक्व टू जीरो इसी तरह से द नेक्स्ट द पोजिशन इन द अनोदर डायरेक्शन अनोदर हाफ वैल्यू इज इन इंक्रीजिंग एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू तो इस तरह से क्या है कि जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है वो इस तरह से वेरी करता है और ये कहलाता है हमारा डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी तो इसकी वजह से क्या हुआ यानी कि दो कंपोनेंट हैं फ्लक्स के और वो जो दोनों ही कंपोनेंट हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं और जब दो कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड से अपोजिट डायरेक्शन रोटेट करेंगे तो मोटर को एक बार मोटर चाहेगी कि इस डायरेक्शन में घूमी क्लॉक में उसी समय उसको लगेगा कि एंटी क्लॉक घूमना है फिर क्लॉक फिर एंटी क्लॉक तो इसका मतलब यह है कि मोटर विल फेल टू स्टार्ट किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है हाँ अब क्या होगा अगर हम क्या करें कि अगर कोई इनिशियल स्टार्ट दे, दे दें इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वहाँ पर कोई डिसबैलेंस क्रिएट कर दिया अनबैलेंसिंग कर दी यानी कि एक तरफ़ का जो है वो टॉर्क आपने इंक्रीज कर दिया तो जैसे ही वो टॉर्क इंक्रीज होगा वैसे ही क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू दूसरे वाले कंपोनेंट की है वो डिक्रीज होती जाएगी और एकदम से प्रभावी हो जाएगा और उस डायरेक्शन मोटर घूमना शुरू कर देगी और इसी तरह से अगर हम मान लो कि दूसरे वाले दूसरी डायरेक्शन के लिए करें तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन मोटर घूमना शुरू कर देती है यानी कि कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि वाई सिंगल फी इंडक्शन मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग तो रीजन आपको शायद समझ में आ गया होगा कि रीजन क्या है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो रोटेटिंग नेचर का नहीं होता है जैसा कि थ्री फी इंडक्शन मोटर बनता है यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है जिसकी वजह से सिंगल फी इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है अब क्या किया जाए भाई हमें तो ये चाहिए कि जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करें और मोटर रोटेट करने लग जाए ये नहीं हो कि हम जाकर के एक्स्ट्रा टॉक दें उसके बाद में फिर रोटेट करें और उसके बाद उसकी डायरेक्शन भी निर्धारित ना हो ऐसा तो नहीं होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए तो आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था इससे पहले लेक्चर्स में कि अगर फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है पॉलीफेज है अगर पॉलीफेज नेचर का फ्लक्स है तो वो किस तरह का होता है रोटेटिंग नेचर का होता है तो हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को अगर सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा तो हमें जो है इसको पॉलीफेज बनाना पड़ेगा तो पॉलीफेज का मतलब एक से ज़्यादा फेज तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फेज स्प्लिटिंग कर देते हैं तो लिखा हुआ यहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग टू मेक सेल्फ स्टार्ट इट कैन बी टेम्प्रोरी कन्वर्टेड इन टू इट टू फेज मोटर वाई स्टार्टिंग शुरुआत में हम क्या करेंगे इसको टू फेज मीटर मोटर की तरह इसको हम कर देंगे और जब मोटर अपनी स्पीड अचीव कर लेगी तब हम इसको वापस से सिंगल फेज में कन्वर्ट कर देंगे और इसको अचीव करने के लिए हमें एक एडिशनल वाइंडिंग लानी पड़ती है उस एडिशनल वाइंडिंग को मैं आपको बता चुका हूँ इसमें दो वाइंडिंग होती हैं एक तो मेन वाइंडिंग कहलाती है जो कि हर समय सर्किट में रहती है लेकिन एक दो दूसरी वाइंडिंग होती है उसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं या फिर इसको अगली वाइंडिंग कहते हैं और ये जो वाइंडिंग है वो केवल स्टार्टिंग के टाइम पर जब तक ये मोटर 90 परसेंट तक स्पीड नहीं अचीव कर लेती तब तक वो उस सर्किट में रहती है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो है मेन बाइंडिंग मेन बाइंडिंग पार्ट एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग बाइंडिंग पार्ट यानी कि दो बाइंडिंग लगी हुई हैं और दोनों ही जो है वो पैरेलल में कनेक्ट हैं और हम इसको सप्लाई सिंगल फेज सप्लाई देंगे यानी कि इसको जो हम सप्लाई देंगे तो अंदर जब हो फेज डिफरेंस क्रिएट होगा और यहाँ पर फेज डिफरेंस जो होगा वो नाइन्टी डिग्रीज लगभग नाइन्टी डिग्री का यहाँ पर फेज डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं और ये फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम इसमें यहाँ पर कैपेसिटर का भी यूज कर सकते हैं यानी कैपेसिटर को हम सीरीज में लगा करके भी इस काम को कर सकते हैं तो हैंस इस दी मोटर बेहेव लाइक ए टू फेज मोटर जब इस तरह से हम करते हैं तो मोटर किस तरह से बेहब करती है टू फेज मोटर की तरह बिहेव करने लग जाती है और एंड द स्टेटर प्रोड्यूस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि हमें चाहिए था कॉजेज रोटर टू रन यानी कि अब जो मोटर है वो किस तरह से स्टार्ट हो जाएगी जो कि प्रिंसिपल हमने वहाँ पर समझा था थ्री फे इंडक्शन मोटर के लिए भाई अब यहाँ पर वो प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट बंस मोटर गैदर्स स्पीड अप टू एट्टी और नाइन्टी परसेंट और ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड तो स्टार्टिंग वाइंडिंग गेट डिस्कनेक्टेड यानी कि स्टार्टिंग वाइंड जब मोटर स्टार्ट हो चुकी है तो अब स्टार्टिंग वाइंडिंग की जरूरत ही नहीं है तो अननेसरी उसमें हम पावर लॉस क्यों करें तो उसके लिए हम एक अरेंजमेंट करते हैं सेंट्री फ्यूगल स्विच का सेंट्री फ्यूगल स्विच जो होता है एक स्पेशल टाइप का स्विच होता है जो मोटर के जब स्टार्टिंग के दौरान ड्यूरेशन में तो वो कनेक्टेड रहता है सर्किट में और उसके बाद जैसे ही मोटर जो है नाइन्टी एट्टी परसेंट से ऊपर नाइन्टी परसेंट तक स्पीड अप हो जाती है तो ये मेन बाइंडिंग को कट कर देता है यानी कि सेंट्रिफिकल स्विच जो है वो डिसकनेक्टेड हो जाता है तो यहाँ पर स्टार्टिंग और सिंगल पे इंडक्शन मोटर के लिए जो हम अरेंजमेंट होते हैं उसके अनुसार सबसे पहला जो अरेंजमेंट कहलाता है स्प्लिट फेज मेथड दूसरा जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है हमारा शेडेड पोल मेथड तीसरा जो है वो रिलेक्टेंस स्टार्ट मेथड कहलाता है फर्स्ट ईयर के कोर्स में जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है वो स्प्लिट फेज मेथड है उसको मैं अब यहाँ पर एलेबोरेट करूँगा आपके साथ में तो यहाँ पर जो स्प्लिट फेज मेथड को यूज़ करते हुए जो मोटर डिज़ाइन की जाती हैं उन मोटर के नाम कहलाते हैं नंबर वन स्प्लिट फेज रजिस्टेंस स्टार्ट मोटर दूसरा स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर तीसरा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर एंड लास्ट परमानेंट सिंगल कैपेसिटर इंडक्शन मोटर वन बाई वन इन मोटर्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर यहाँ आपको जो है वो दो बाइंडिंग दिखाई दे रही हैं ये दोनों बाइंडिंग जो है वो किस पर की गई हैं जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ एक बाइंडिंग जो है वो मेन बाइंडिंग कहलाती है दूसरी बाइंडिंग जो है वो अगली बाइंडिंग कहलाती है और ये दोनों बाइंडिंग हम किसके ऊपर कर देते हैं हम ये दोनों ही बाइंडिंग जो है वो स्टेटर के ऊपर करते हैं अगर आपको इसे और अच्छे से समझना है मैं इसको इस इस तरह से समझाता हूँ पिक्टोरियल व्यू ऑफ दिस मोटर सपोज दिस इज़ द स्टेटर ऑफ द मोटर मोटर ये स्टेटर हो गया यहाँ पर हमने जो है हाँ वो एक सप्लाई एक जो है वाइंडिंग इसके ऊपर कर दी इसके स्टेटर के ऊपर यहाँ से ये टर्मिनल निकल के आ गए एक और वायर लिया उससे दूसरी वाइंडिंग कर दी दूसरी वाइंडिंग भी इसके ऊपर करके यहाँ से ये निकाल दिया उसके बाद इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया यानी कि दोनों ही वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्ट कर दी और यहाँ से ये सप्लाई दे दी इस सप्लाई को हम कौन सी सप्लाई कहेंगे सिंगल फेज सप्लाई आपने दे दी है यानी कि दोनों वाइंडिंग में सप्लाई जानी शुरू हो गई तो वही चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है इस तरह से और इसके बीच में जो है दिस इज अवर स्क्वाल केज रोटर यानी कि ये जो रोटर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर दिस इज द स्क्रल केज टाइप ऑफ द रोटर तो अब इसमें होता क्या है मेन वाइंडिंग में क्या है ऑगरी वाइंडिंग क्या है डिफरेंस क्या रहता है मेन बाइंडिंग चूँकि हर समय सर्किट के अंदर रहती है तो हम क्या करते हैं वहाँ पर एक्सेल की वैल्यू जो है एक्सेल की वैल्यू मेन बाइंडिंग में दैट इज़ वेरी वेरी लार्जर देन रजिस्टेंस ऑफ द मेन बाइंडिंग ये बहुत ज़्यादा यानी कि रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है उसकी जो इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस है स्टार्टिंग की ये जो होती है वेरी वेरी लेस देन आर स्टार्टिंग बाइंडिंग यानी कि इसमें दोनों में ये अंतर रहता है तो जब दो करंट यहाँ से जो मेन सप जो करंट जा रही है यहाँ पर इंटरन इनर करंट जो जा रही है वो आगे जा कर के दो भागों में डिवाइड होगी तो इधर जाने वाली करंट जो है वो चूँकि मेन बाइंडिंग है यहाँ पर एक्सेल की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर ये वोल्टेज को जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उसे लार्ज एंगल से लैग करेगी और जो इधर जाने वाली करंट है दूसरी वाली यहाँ इसमें जा रही है चूँकि इसमें जो है ना रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है रिएक्टेंस कम है तो इसका मतलब ये लोअर एंगल से यहाँ पर वोल्टेज को लैग करती है तो इस तरह से फेज स्प्लिटिंग हो जाती है फेज स्प्लिटिंग ही हमें चाहिए थी फेज स्प्लिटिंग जैसे ही हुई वैसे ये जो वैल्यू है मेन करंट की यानी यहाँ से ये तक ये जो है वो मेन करंट फ्लो कर रही है लेकिन अंदर जा कर के ये दोनों भागों में ये दो भागों में डिवाइड हो रही है एक जो है वो लार्ज एंगल से लैग कर रही है और एक जो है वो कम एंगल से लैग कर रही है तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है मेन बाइंडिंग के साथ में इसमें एक रजिस्टेंस भी लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्लिट पर रजिस्टेंस स्टार्ट मोटर क्योंकि रजिस्टेंस की वैल्यू को हमें इसमें बढ़ा के रखना है बाइंडिंग का रजिस्टेंस तो इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वो कॉपर वायर से बनी रहती है इसलिए हम उसमें एडिशनली रजिस्टेंस भी यहाँ लगा देते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया कि आर एस की वैल्यू जो होती है आर एस की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा रखते हैं आर एम के कंपेरिजन में यानी मेन बाइंडिंग का जो रजिस्टेंस है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है ये स्विच जो है वो जैसा मैंने अभी बताया था एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है सेंट्री फ्यूगल स्विच तो इस तरह के अरेंजमेंट से जैसी सप्लाई अंदर जाती है वैसे ही रोटर जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है यही हमें चाहिए था आपने इस इसको इन बाइंडिंग के थ्रू इसको आपने कैसा बना दिया सेल्फ स्टार्ट मोटर बना दिया अब क्या होगा थोड़ी देर बाद जब 90 परसेंट तक स्पीड अप हो जाती है मोटर तब ये स्विच जो है वो ओपन हो जाता है स्विच जैसे ही ओपन होता है केवल एक ही बाइंडिंग रह जाती है उसमें करंट फ्लो होती रहती है और साथ के साथ मोटर लगातार घूमती रहती है यानी कि दिस मेथड ऑफ स्टार्टिंग मोस्टली यूज इन मोटर विद लो इनर्शिया लोड और कंटिन्यूस ऑपरेटिंग लोड यानी कि इस तरह का जो मोटर वो है वो हम जहाँ यूज करते हैं वहां पर जहां पर लो इनर्शिया की जरूरत होती है जहाँ पर कंटिन्यूस ऑपरेटिंग लोड होते हैं वहां पर हम इसको यूज करते हैं अनोदर टाइप की जो मोटर होती है उसका नाम हम अब यहाँ पे गए स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर अब चीज़ें समझना बहुत आसान है अब हमने क्या काम किया वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ था अब रेजिस्टेंस ना लगा करके यहाँ पर जो हमारी अगले वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग है वहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया कैपेसिटर लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ अब ये हमारा कैसे सर्किट बन गया एल सर्किट एल में भी यहाँ पर एक्ससी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है एक्सेल से इसका मतलब ये क्या करेगी दिवाली करंट जो होगी वो वोल्टेज को लीड कर जाएगी यानी कि जो आपकी ऑक्ज वाइंडिंग करंट है वो तो लीड कर रही है वोल्टेज को और जो मेन बाइंडिंग करंट है वो क्या कर रही है वो लैग कर रही है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कुछ इस तरह से आ गया यानी कि यहाँ पर फेज स्प्लिटिंग हमने इस तरह से कर दी इस तरह से करने से हमें एक और एडवांटेज मिला एक तो मोटर सेल्फ स्टार्ट तो हुई हुई साथ के साथ में एक और काम हुआ एक दूसरा काम क्या हुआ दूसरा काम ये हो गया कि हमें टॉर्क भी कैपेसिटर के कनेक्ट होने से जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो भी बेटर हो जाता है तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट रहा वो स्प्लिट फेज कैपेसिट स्टार्ट मेटर का के साथ रहा इसके साथ तो जो मोटर दूसरी होती है उसमें हमारा एक होता है कैपेसी स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर यानी कि जब आपको पता है कि कैपेसिटर है और कैपेसिटर जो है वो टॉर्क को भी हमारे को बेटर बना रहा है तो इसका मतलब हम उसको जब वो कैपेसिटर वाला पार्ट जो है वो किस में लगा हुआ है ऑगजेडी बाइंडिंग में अब ऑगज बाइंडिंग आपको मालूम है कि थोड़ी देर बाद कट ऑफ हो जानी है जब कट हो जानी तो इसका मतलब टॉर्क इफेक्ट आएगा तो हम चाहते हैं कि हमारा टॉर्क जो है वो वो भी सबसे में बेटर बना रहे तो हमें यहाँ पर एक दो कैपेसिटर हमने यूज़ कर लिए ऑग्जेड बाइंडिंग साथ में एक कैपेसिटर के साथ में स्विच लगा दिया सेंट्रिकल स्विच और एक को जो है ना सबसे में इस तरह से कनेक्टर ने दिया उससे क्या होगा कि इनिशियली जब हमारी मोटर इनिशियल जब रहेगी तब हमारे दोनों ही कैपेसिटर काम करेंगे इस वाले पार्ट में और हमें बेटर टॉर्क मिलेगा और उसके बाद में जब थोड़ी देर में सेंट्री स्विच ओपन हो जाएगा उसके बाद में ये हमारा जो हम लो वैल्यू का कैपेसिटर वो हर समय सर्किट में रहेगा जिससे कि हमें सब समय जो है वो एक अच्छा टॉर्क मिलता रहेगा तो इस तरह की दीज मोटर्स प्रोड्यूस कॉन्स्टेंट टॉर्क एंड हैव बेटर एफिसियंसी एंड पावर फैक्टर ये टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक है जैसा कि आपने वहाँ पे देखा था कि वहाँ जो टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक थी वो हमारी जो थी वो हमारी स्लिप और टॉर्क बीच में थी यहाँ पर जो है वो आपने देखा डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी की वजह से दो फील्ड रहती हैं यानी कि जब दो फील्ड होंगी तो इसका मतलब हमारा जो टॉर्क होगा तो कुछ इस तरह से होगा ये जो है हमारा ऑल्टरनेटिंग फील्ड रहता है तो इसका मतलब एक जब पहले वाले फील्ड की वजह से ये टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक आ रही है और दूसरे वाले फील्ड की वजह से ये दूसरी करैक्टरिस्टिक आ रही है इसका मतलब रिजल्टेंट क्या होगी रिजल्टेंट हमारी जो करेक्टरिस्टिक वो कुछ इन दोनों के बीच में इस तरह से कुछ रहेगी तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट हैं सबसे पहली बात फ्रॉम द फिगर वी सी दैट एट ए स्लिप ऑफ यूनिटी बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फील्ड डेवलप्स इक्वल टॉर्क बट द डायरेक्शन ऑफ विच आर अपोजिट टू ईच अदर देखिए आप दो टॉर्क आपको मिल रहे हैं लेकिन दोनों के डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू ईच अदर है इसके साथ में दीज मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग अनलाइक द केस ऑफ थ्री फे इंडक्शन मोटर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती हैं इनको हमें सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है देयर मस्ट बी सम मीन्स टू प्रोवाइड द स्टार्टिंग टॉर्क तो इसका मतलब क्या होगा क्यों नहीं सेल्फ स्टार्टिंग है क्योंकि ये जो टॉर्क है इक्वल एंड अपोजिट है यानी कि नेट टॉर्क जो है वो हमारा अगर इस पॉइंट की बात करें तो क्या होगा अगर इस पॉइंट की बात करें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है तो इसका मतलब अब मोटर जो है वो हमारी जो है वो घूम नहीं पाएगी है ना इसके लिए क्या करें इफ बाय सम मीन्स अगर कोई बाहर कोई एक्सटर्नल मीन्स है हम कुछ उसमें एडिशनल जर्क देना यानी वी कैन इंक्रीज द फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द मशीन ड्यू टू विच द फॉरवर्ड स्लिप डिक्रीज द फॉरवर्ड टॉक विल इंक्रीज एंड द रिवर्स टॉर्क विल डिक्रीज एज ए रिजल्ट मोटर विच एज ए रिजल्ट मोटर विल स्टार्ट है ना इसी तरह से अगर हम इसके अपोजिट काम करें तो भी मोटर जो है वो स्टार्ट होगी लेकिन वो किस तरह से होगी वो उसके दूसरी डायरेक्शन होगी अगर पहली डायरेक्शन अगर क्लॉक वाइज़ की है तो अब कौन सी होगी एंटी क्लॉक वाइज़ की तो इस तरह से जो है वो हमारा आपने टॉर्क स्लिप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा कि हमें यहाँ पर जो है अगर मोटर को रोटेट कराना है तो यहाँ पर अनबैलेंसिंग क्रिएट करनी पड़ेगी और मोटर जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगी तो ये थ्योरी होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस था इसके वर्किंग प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस था वर्किंग प्रिंसिपल हर एक मोटर का सेम होता है सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो रोटर है उसके अंदर करंट प्रोड्यूस करानी है यहाँ पर भी करंट प्रोड्यूस हुई लेकिन यहाँ पर टॉर्क हुआ ऑल्टरनेटिंग नेचर का था ऑल्टरनेटिंग नेचर की वजह से मोटर जो है वो इनिशियली मतलब शुरुआत में स्टार्ट नहीं हो रही इमिडियटली स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसके लिए आपने क्या काम कर दिया आपने दो बाइंडिंग लगा दी जिसको कि आपने बोला एक को बोला मेन बाइंडिंग जो कि सबसे में सर्किट रहती है और दूसरी बाइंडिंग को आपने बोला ऑगजिलरी बाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग बाइंडिंग जो आपने यहाँ पर कैपेसिटर लगाया था वो किसके लिए था कैपेसिटर जो लगाया था वो टॉर्क को इम्प्रूव करने के लिए आपने कैपेसिटर लगा दिया और साथ के साथ जो है वो फेज स्प्लिटिंग भी हो गई जिससे कि मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट हो गई अब कहते हैं कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है वॉट इज कंपेयर द सिंगल फे एंड थ्री फे इंडक्शन मोटर तो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने बाकी पॉइंट्स आपको सब क्लियर कर दिए हैं अब एक बार इनको भी एक एक करके देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट है सिंगल फे इंडक्शन मोटर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन वेरी सिंपल सभी जानते हैं कि मोटर का जो रोटर वो एक ही टाइप का है वो कौन सा है इसको केज इसका मतलब सिंपल हो गया सिम्प्लिसिटी है दूसरे यहाँ पर कोई थ्री फेज सप्लाई के लिए बाइंडिंग नहीं कर रहे हो आप केवल दो टू फेज सप्लाई के लिए कर रहे हो एक तरीके से तो आप दो बाइंडिंग आपने लगाई है यानी कि यहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंपेयर रीजन टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर सिंपल रहता है द इलेक्ट्रिक सेकेंड पॉइंट है द इलेक्ट्रिकल पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज लो एज कंपेयर टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में जो पावर फैक्टर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का होता है वो कम रहता है इसी तरह से जो पॉइंट नंबर थ्री है उसको भी नोट करें फॉर द सेम साइज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डेवलप्स अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ द आउटपुट एज दैट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो चौथा पॉइंट है दैट इज द स्टार्टिंग टॉर्क इज लो फॉर एसिंक्रोनस मोटर यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो वो लो रहता है और हमें उसको बैटर बनाने के लिए हमने क्या काम किया है उसको बेटर बनाने के लिए हमने वहाँ पर कैपेसिटर का कैपेसिटर को, को यूज़ किया हुआ है इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है द एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फे इंडक्शन मोटर इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर यानी कि जो सिंगल फे इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी होती है वो नेचुरल सी बात है कि ये थ्री फे इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में कम रहती है तो ये कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं आप लोग इसको नोट कर लें आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हो तो सभी के लिए आपको ये इसमें ध्यान रखना है कि पहला क्वेश्चन इसमें जो आता है वो ये रहता है कि सिंगल फे इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है दूसरा क्वेश्चन जो इसमें आता है वो रहता है कि हम इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या काम करेंगे तीसरा जो क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछ सकते हैं कि कैपेसिटर का क्या रोल होता है और चौथा जो क्वेश्चन इसमें आता है कंपेयर सिंगल फे इंडक्शन मोटर एंड थ्री फे इंडक्शन मोटर तो डियर स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ समझ में आई होंगी तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो आप जो है वो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच